देश को आजाद हुए 75 वर्ष हो गए हैं और राज्य अलग हुए 24 वर्ष, लेकिन आज भी कई ऐसे गांव और प्रखंड हैं जो सड़क तक के लिए बाट जो रहे हैं। चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के नीमडीह प्रखंड अंतर्गत चिंगड़ा पारकीडीह पंचायत के अधीन कई ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें सड़क नहीं होने के कारण परेशानी होती है। बहुल आदिवासी गांव रंगाडीह से चिंगड़ा पारकीडीह के बीच 3 से 4 किलोमीटर सड़क निर्माण नहीं होने के कारण दोनों गांव के ग्रामीणों को मुख्यालय जाने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यदि कोई बीमार पड़ जाए तो उसे इलाज के लिए खटिया पर हॉस्पिटल पहुंचाने की नौबत आ जाती है, क्योंकि सड़क नहीं होने के कारण एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पाता। केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा विकास को लेकर बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, परंतु कितने ही ऐसे गांव हैं जहां विकास की रोशनी तक नहीं पहुंची। लोगों का कहना है कि प्रदेश में आदिवासी सरकार है लेकिन अपने क्षेत्र का विकास करने में असफल है, परंतु सुखराम हेमरम की अगुवाई में हमारे गांव जाने के लिए सड़क का निर्माण किया गया जो कि बहुत ही सराहनीय है। आज ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के समाजसेवी व झारखंड आंदोलनकारी सह स्वच्छ चांडिल स्वस्थ चांडिल के संस्थापक सुखराम हेमरम को 30 जून को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद सुखराम हेमरम के प्रयास से 2 किलोमीटर की कच्ची सड़क का निर्माण किया गया है। दोनों गांव के ग्रामीणों के चेहरों पर मुस्कान के साथ खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। उक्त सड़क का विधिवत फीता काटकर और नारियल फोड़कर उद्घाटन किया गया, साथ ही ग्रामीणों द्वारा जोरदार स्वागत भी किया गया। पारकीडीह प्राथमिक विद्यालय प्रांगणे आज अपनारा सुपौल चिंगड़ा पारकीडीह रंगाडीह जोजोडी ग्रामेर सुपौल ग्रामवासीगण सामने बसे आछे आमादेर दीदीरा काकीरा जेठीरा छोटो छोटो भाईरा एई मंचे আমাদের আজকে এখানে উপস্থিত পটলদা মহেন্দরজি, আমার সাথে আসা আমার কাকা দুপু সিং মুন্ডাজি, হরিরাম সোরেনজি, ভাস্কর টোডোজি, এখানে আমাদের আজকের কমিটির অধ্যক্ষ সনাতন সিংজি, সাথে এখানে আমাদের শিক্ষক জগৎ স্যারজি, লোচনজি, আর সাথে সবাই আজকে এই শুভ অবসরে আমার তরফ থেকে বহুত বহুত রথযাত্রার শুভকামনা, হার্দিক বধাই। তেহেন নোডে তেজ রথযাত্রা দিন লেখান দিন রে নয় স্কুল ওড়া রে হেজ সেটের কান সানাম দই গগো হুড়ি হুড়ি গিদর বয়া কাকালেকান সাম আলি পাড়াতে আড়ি গুণমান জহার। তেহেন আড়ি গরব রেনা কথা কানা নোডে যাহাই আবো তালারে হাসা বাখরা হাসা যাহাই কো এম কিয়া তেহেন ডাহার বাখরা উনকো বিশেষ কাতে আলি পাড়াতে কোনা ধন্যবাদ লিং এমাপেয়া যারা এখানে আজকে যে কাজটা নিয়ে আজকে আমরা উপস্থিত আছি এখানে, আপনারা সত্যিকারেই মাস্টার সাহেব বলতেছিলেন আমাদের দেশ আজাদ হয়ে 75 সাল আজকে আমরা মানাচ্ছি, ঝাড়খণ্ড রাজভবনে আমরা 24 সালে আছি আজ, আজকেও আমরা এই গ্রামের থেকে বেরাবার জন্যে আজ নিশ্চয়ই আমরা এখানে অনেকেই সংকটে আজকে ছিলাম। আজ যেই রাস্তা যারা আপনারা জমিন দিয়েছেন তাদেরকে সবলে প্রথম আমি বহুত বহুত ধন্যবাদ দিব যে আপনারা সমাজ হিতে যে আপনারা যোগদান দিয়েছেন এটা বহুতই সারাহানীয় কদম। এইরকম ভাবেই আমরা সমাজকে যদি আগে নিয়ে যেতে হয় তো সমাজের জন্য কিছু না কিছু সবাইকে যোগদান দেওয়া দরকার আছে। আজ নিশ্চয়ই আজকে আমি বহুতই সৌভাগ্যশালী এখানে মহসুস করছি আজকে, বিগত আমরা 30 জুনে ভুল ক্রান্তি দিবসের শুভ অবসরে আমি কার্যক্রমের মাধ্যমেই লোচনজিরা ফোন করলেন কি আপনি একটু
চিংড়া পার্কিটিতে আসুন। আমি ভাবেছিলাম কি এখানে হতে পারে সিধু কানু মূর্তি। আজ সে করিব 75 সাল হওয়া পহলে হমারা দেশ আজাদ হওয়া, লেকিন আজাদ হোনে কে বাদ ভি हमारे के एक ऐसे बहुल आदिवासी क्षेत्र छिंगड़ा पणकेटी झारखंड राज्य मिल के भी आज 24वां वर्ष हो गए, लेकिन आज कितना मंत्री आए, विधायक आए और तरह तरह के समाज सेवी है, लेकिन आज तक हम लोग को आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के नाते भी आज हमारे प्रदेश में भी आदिवासी सरकार है, लेकिन आज तक हमारे उस क्षेत्र में रोड नहीं बनाया था। लेकिन हमारे इस क्षेत्र के समाज से भी आदरणीय बड़े भैया सुखराम दा के अगुवाई में आज हम लोग को लगा कि आज हम लोग स्वाधीनता की ओर चल रहे हैं, स्वतंत्रता की ओर चल रहे हैं, कि आज हमारे ये बहुत ही खुशी की बात है ग्रामवासी के लिए, जो आज हम लोग को सुखराम दा के अगुवाई में आज एक रोड 2 किलोमीटर का रोड बने हैं, बहुत ही सराहनीय बात है। इससे पहले जो विगत हमारे जो समस्या होती थी, जैसे रात अंधेरा में बरसात के समय में जो बारिश होती थी तो बहुत ही समस्या होती थी कि कोई भी पेशेंट को बाहर निकालने के लिए हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए दौला से लेकर उनको पहुंचाया जाता था, लेकिन आज के डेट में देखा जाए तो हम लोग को इतना सुविधा हुआ, इस सुविधा को हम लोग कभी नहीं भूलेंगे। और आज जो उनका कार्यक्रम हुआ कि हम लोग उद्घाटन कराए हैं, लेकिन काफ़ी उत्साह थे ग्रामवासी लोग, और इसके लिए आज हमारे देश आज़ाद होकर 75 वर्ष हो गए और झारखंड मिल के 25 वर्ष हो गए, फिर भी हम लोग का चिंगड़ा पणकेटी जो रास्ता था आज तक बहुत उधरा ही था। आज हम लोग का सुखराम दा के प्रयास से हम लोग का रास्ता आज बन गया और आने जाने में बहुत सुविधा हो गया। ब्लॉक प्रथम मुख्यालय आने में मतलब 1 घंटा पहले समय लगता था, अभी 10 मिनट में पहुँच जाएंगे। और हमारे वहाँ ये स्वास्थ्य जाने में बहुत सुविधा हो गया, हॉस्पिटल जाने में सुविधा हो गया। पहले तो हम लोग का वहाँ कादा कीचड़ के चलते मतलब डॉक्टर भी नहीं हो सकता, एम्बुलेंस नहीं जा सकता। आज वहाँ बहुत सुविधा हो गया रास्ता आने जाने में, ग्रामवासियों का बहुत सुविधा हो गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू है, ग्राम प्रधान चिंगड़ा पणकेटी।